Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। जीरो नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं एक पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में भी आज 118 केसेस रजिस्टर हुए, जिसके अंदर 107 केसेस बैंगलोर अर्बन के हैं। रुपया सिटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुजम्मिल, 2 सालाना बच्चा जिसका हाल ही में मर्डर हुआ था, उसके 5 अक्यूज लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ कई सारे NGO, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने 6 महीने के बाद एक टीम बनाकर इसे पीछे लगा और ये टीम को कामयाबी मिली। जी हाँ, ऑन डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर वाई एस रवि कुमार, कमिश्नर, DCP अदुर श्रीनिवासलू, ACP AH इनामदार, जी हाँ, एक टीम बनाई गई थी जहाँ पर सर्कल अरुण सर ने ये चीज़ को आगे लीड लिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर और 5 लोगों को अरेस्ट किया। ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಇದು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ 174C ಮತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ 302 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 5 ಮಂತ್ಸ್, ಇದುವರೆಗೂ 5.5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಲೀಡು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ACP ಅವ್ರಿಗೂ IO ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ACP ಸೌಲಭ್ಯ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ACP ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ 5 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. के बाद हम बात करते हैं स्टेट न्यूज, जहां पर BS चटरूपा के बेटे विजेंद्र को नहीं मिली MLC यानी MLC सीट, यानी कि टिकट नहीं मिली उनको, लेकिन इस पर यह बताया कि डिसीजन को अबाइड करेंगे और उन्होंने कहा कि सपोर्टर्स को कि डिनाइड जो टिकट नहीं ममिला है उस पर कोई एक्शन लिया ना जाए. BSY के बेटे विजेंद्र ने ये सभी जनता को बताया. आज NGO ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट हेल्ड की BJP गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पर बात बताई जा रही है कि किस तरह से कर्नाटक सरकार ने स्पीच इंक्लूड की RSS फाउंडर KP हेडगर की हिस्ट्री टेक्सटबुक के अंदर और लेसन निकाल दिए हैं टीपू सुल्तान, प्रियार, नारायण गुरु और कई सारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के. इस पर क्या कहना है सभी लोगों का, आइए देखते हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या BJP का बाप का नहीं है? स्कूल कॉलेज के जो आप लोग हेगड़ेवार का जो परिचय उसका डाल रहे हैं उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही हरकत करते रहे तो पूरे गुलबर्ग में सभी लोग रास्ते पे उतर कर इसका विरोध करना चाहते हैं. ಮೊದಲ ಇದ್ದಂತಹ ಬುದ್ಧನ ಪದ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗರ ಪದ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ರಂಜನ್ ಸುರ್ಕುಮದಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು RSS ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಂತಹ ಹೆಗಡೆವಾರಂತವ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ವೀರಪುತ್ರರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹಳ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮ ಕೂತಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. नारीपुर विलेज के लोगों ने प्रोटेस्ट के DC ऑफिस में कहा. नारीपुर विलेज का जो ब्रिज वर्क है कई दिनों से कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तेज तरह बारिश के अंदर कई सारे जो है बोट्स जो है वहां पर चल नहीं रहे रिवर के अंदर. आइए देखते हैं उन लोगों की क्या डिमांड है. ये BJP गवर्नमेंट आने के बाद एक भी
पैसा नहीं दिया बोल के बोलते कॉन्ट्रैक्टर वाले ने और स्टाफ वाले ने ऐन भीम नदी के ब्रिज कम ब्यारेज प्रारंभ में हलवर वर्ष ऊर ग्रामस्थर युवक मुखंड रैतर होराट मैं प्रतिफल ऐन जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री ब्रिज कम ब्यारेज सैंक्शन सेतुवेन 2017 से नरिबोल और चामनूर के बीच में चले गए काम वो ब्रिज का है वो काम को रुका गया है सर ऑफिसर से मिलके उसका बारे में पूछे तो उन क्या बोलता है झूठ बोलता है झूठ के बाद झूठ अनुदान नहीं है ऐसे नहीं है बजट नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ऐसे बोलता है तकलीफ हो रहा है सर वहाँ पे बोट से चलना पड़ता बुजुर्ग रहता है बच्चा रहता है हॉस्पिटल को बताने के लिए चांदूर वाले ने इधर आना पड़ता प्राथमिक आरोग्य केंद्र नरिबोल गाँव पे है हमारा नरिबोल गाँव का ही MLA ex-MLA उसके बाद हम बात करते हैं मनरू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जहां पर 18 महीने की एक लड़की थी जिसे ऑपरेट कर सक्सेसफुली उसे बचाया गया जहां उसे ब्रेन के अंदर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था जिसमें 50 ml एब्सेस निकाला गया इसके अंदर एक टीम बनाई गई थी जिसके अंदर शामिल है डॉक्टर शशांक सनोली न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजेश एस्थेटिशियन डॉक्टर अनिल के एस के चीफ इंटेंसिविस्ट डॉक्टर जुबेर पीडियाट्रिशियन ये सब लोगों ने मिलकर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक मनूर ये काम को अंजाम दिया एक वक्त ऐसा था बच्ची काफ़ी जो है वेंटिलेटर पे आ चुकी थी लेकिन उसको 5 दिन में ऑपरेशन कराकर डिस्चार्ज कर दिया गया और माँ बाप के चेहरों पे मुस्कान नजर आई भगवान है सर डॉक्टर लोग सब भगवान है सर मेरा बच्ची का ज्ञान बचाया ना सर भगवान है सर पेशेंट बच्चे तो ही पैसे तो बोल के हम बोल लेते हैं 1 रुपये भी नहीं लेके हम लोग फ्री में स्टार्टिंग में बगैर एनी डिपॉजिट वी हैव डन सर्जरी ये अगर आप खुश हैं तो करो मतलब हम बता रहे उन्होंने तो पेशेंट मर गए हम घर को लेके जाते बोल रहे थे जब वेंटिलेटर पे डाल दिए ना नहीं है पेशेंट नहीं बचा है बोल के बोले थे 5-10 लोग आके नहीं सब कुछ नहीं दिख रहा मूवमेंट नहीं है कुछ नहीं है वेंटिलेटर पर है हम घर को लेके जाते बोल के बोले थे तो क्या बोलना चाहेंगे आप किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया ट्रीटमेंट तो अच्छा दिया सर ट्रीटमेंट के बारे में जरा सर भगवान है सर सब डॉक्टर साहब लोग सब भगवान है सर मेरे का बच्ची का ये बता सर कम से कम एक महीने सर एक महीने से बुखार आ रहा था सर उसको एयरलाइन सिक्योर करके जो है ना वेंटिलेटर पे डाल देते हैं वेंटिलेटर पे डाल के पेशेंट को स्टेबल किया गया कैजुअलिटी में फिर उसके बाद पेशेंट को जो है ना जस्ट विद इन 1 आवर हम लोग जो है OT को शिफ्ट किए एंड क्रेनियोटमी किए हैं क्रेनियोटमी करके जो पस अंदर रहता है ब्रेन एब्सेस जो बोलते हैं उसको पस को ड्रेनेज करके जो है ना 6 आवर्स तक तकरीबन ये सर्जरी चला एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट OT में भी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है एंड सेफर OT से बाहर आया एंड विद इन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज 5th डे है जो पेशेंट आज 5th डे में एक क्रेनियोटमी पेशेंट वो भी एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी क्रेनियोटमी डिस्चार्जिंग ऑन 5th डे अल्हम्दुलिल्लाह ए वेरी गुड रिकवरी एंड वेरी गुड वर्क बाय अवर न्यूरोसर्जन अवर एनेस्थेटिस्ट अवर चीफ इंटेंसिस्ट एंड अवर पीडियाट्रिशियन वी कैन से ये जो एक टीम वर्क दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज 5वें दिन में पेशेंट आज जो डिस्चार्ज हो रहा है आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूसरे क्रेनियोटमी पेशेंट्स को जो है ना 15 दिन 1 महीना ऐसा लगता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना फास्ट रिकवरी है तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है उसके बाद हम बात करें 3052 लोग कर्नाटक से हज जाएंगे इस बार जहां June 9 को ये फ्लाइट निकलेगी जहां पर पैंडेमिक हेल्ड होने के बाद अब वापस से शुरुआत हो चुकी है हज की जहां पर कर्नाटक से 3052 लोग जाएंगे एनुअल हज इनमें सऊदी अरेबिया के अंदर कर्नाटक के अंदर इतने लोग अलाउ किए गए हैं रौफ उद्दीन कचेरीवाला चेयरमैन कर्नाटक हज कमेटी ने कहा इनिशियली पहले 2752 नाम दिए गए थे उसके बाद 300 लोगों को ऐड किया गया उसके बाद गुलबर्गा शहर के अंदर हज कैंप भी रखा गया है 2 दिन का हज कैंप है मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर अगर आप हज जा रहे हों तो ये कैंप को अटेंड करना ना भूलें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स बताए जाएंगे और कई सारे गेस्ट इसमें आने वाले हैं ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की
थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, पॉजिटिविटी इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट हेल्प्स यू टू इमेजिन एंड सी द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट यू कैन लर्न अर्न एंड अचीव टुडे। यानी पॉजिटिविटी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आप कोई हेल्प करता है इमेजिन करने में कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पर आप लर्न भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं आज। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम जरूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर्स, ए कंप्लीट मेंस वियर एंड किड्स वियर, एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स एंड शेरवानीज़।